उतना ज्ञान हमको है नहीं, उनका ज्ञान है ना। ये बिहार है, बिहार ज्ञान की भूमि है। तब प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, उनको एहसास नहीं अभी। अभी देख रहे होंगे झकास भारत, और झकास भारत से मैं रविकांत। जैसा कि प्रशांत किशोर ने अपना बयान दिया है, उससे पहले ही नीरज कुमारी का यह बयान आया था, जदयू के मंत्री का है, बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का, सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोर हैं, मतलब कि बच्चा हैं, और उनकी बातों को कितना तवज्जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वह हम लोगों को भी कहा, और सभी लोगों को उन्होंने ये जदयू के लोगों से, कल भी जब पूछा गया उनके मंत्री और उनके विधायकों से, तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर के सवालों से बचते हुए नज़र आए। और जिस वक्त से प्रशांत किशोर को जदयू से निकले हैं, तो उसके बाद निकाले गए हैं, नीतीश कुमार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, तो कई सवाल और जवाब घेरते हुए नज़र आए। पर जब बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार जब यह कहे कि प्रशांत किशोर को अभी बहुत कुछ सीखना है और वो बड़े लोग हैं, वो व्यंग कसते हुए कहा, तो हम ये देखेंगे कि इस वीडियो में वो क्या कुछ कहे। एक सवाल प्रशांत किशोर जी पे, वो जिस प्रकार से पार्टी छोड़ के गए, लगता है नीतीश कुमार जी उन्हें उपाध्यक्ष बनाए थे और जदयू के ही कई लोग उनके पीछे लग गए, या ट्वीट करना एक उनका ज्यादा परिणाम रहा? अब उनको बहुत ज्ञान है, उतना ज्ञान हमको है नहीं। उनका ज्ञान है ना, ये बिहार है, बिहार ज्ञान की भूमि है। तब प्रशांत अभी राजनीति में किशोर हैं, उनको एहसास नहीं है बिहार का। जैसा कि आपने सुना कि मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर अभी राजनीति में किशोर हैं, और वो ट्वीट ट्वीट करते रहते हैं, वो सबसे वो पहले भी कहते रहे हैं, ट्विटर लाल बबुआ जैसे शब्द जदयू के मंत्री और नेता ये कार्यकर्ता कहते रहे हैं। अभी के फिलहाल इतना ही। झकास भारत चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, और तमाम खबरें देखने के लिए झकास भारत चैनल को और भी लोगों तक बताएँ और सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।